नमस्कार भैया बहनों, मैंने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई थी। आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करता हूं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं कि आपको 10वीं और 11वीं दोनों के लिए ही लाभदायक हैं। इसलिए हम आपको ऐसे ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं जो आपके 10वीं और 11वीं दोनों के लिए यूजफुल हैं। आप देखते होंगे कि एक हमारी अक्षदी संख्या रेखा अक्षदी रेखा है, इस पर जीरो के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। एक हमारी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है, वर्टिकल नंबर लाइन, जिसमें जीरो के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर, नीचे नेगेटिव इंटीजर हैं। जब हम इन दोनों संख्या रेखाओं को मिलाते हैं जीरो से, ऐसा करने से हमारा पूरा का पूरा जो तल है जिस पर हमारी ये बनी हुई, जैसे यहाँ पर हमारा कॉपी का तल, वो चार पार्ट में डिवाइड होता है। उन्हें हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, एक दो तीन चार, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वार्टर से बना है, एक का चौथाई। हम देखते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव से घिरा हुआ है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस, और फोर्थ में ये प्लस ये माइनस। चतुर्थांश अक्षदी संख्या रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को वाई एक्स कहते हैं। जिस बिंदु पर दोनों अक्ष कटते हैं चतुर्थांश बनते हैं। चतुर्थांश पूरे तल को चार भागों में विभाजित कर देता है। प्रथम चतुर्थांश के अंदर प्लस प्लस प्रकार के बिंदु होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस प्रकार के बिंदु होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस प्रकार के बिंदु होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस प्रकार के बिंदु होते हैं। एक्स अक्ष पर जो बिंदु होते हैं उनका भुज ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर जो बिंदु होते हैं उनका भुज एक्स निर्देशांक जीरो होता है, एक्स अक्ष पर जो बिंदु होते हैं उनका उनकी कोटि या वाई निर्देशांक जीरो होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो जीरो होते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उसका वाई निर्देशांक होता है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उसका एक्स निर्देशांक होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है, माना ए बिंदु एक्स वन वाई वन, बिंदु बी एक्स टू वाई टू, इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का वर्ग प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। बिंदुओं दो तीन और चार पाँच के बीच की दूरी दो माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस तीन माइनस पाँच का होल स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर फोर प्लस फोर स्क्वायर रूट ऑफ एट टू रूट टू यूनिट। आज इतना ही करेंगे, धन्यवाद।